Titulky vytvořil JohnyX. नाज़रीन आदाब मेरा नाम जावेद हसन है और मेरा ताल्लुक तल्ल उर्दू जामिया मिल्ह इस्लामिया से है हमारी आज की गुफ्तु का मौजूद है इदारिया इस लेक्चर को अंजु साहब ने तहरीर किया है दुनिया के तमाम फ़नून तमाम हरफतें और फ़नून से मतलब शोबे किसी एक बुनियाद पर कैम और किसी एक धुरी पर घूमते हैं या दूसरे लफजों में यूँ कहा जाए कि हर फन और फ़न से मुतल शोबों में कोई शोबा कोई उहदा कोई एक शख्स इस पूरे फ़न और उस पूरे काम की रीढ़ की हड्डी होता है जिस तरह इंसानी जिस्म में तमाम अजा जिस्म के ही एक वजू दिमाग की हिदायत पर काम करते हैं और दिमाग हसब ज़रूरत जिस हिस्से से काम लेना चाहता है लेता है उसी तरह मतबूआतीफ़त में अखबार और रसायल का एडिटर या मुदीर अखबार के जिस्म में दिमाग की हैसियत रखता है हमारी आज की गुफ्तु इदारिया एडिटोरियल मुदीर, एडिटर और इसके मतलक वगैरह पर मरकूज़ रहेगी क्योंकि हमारा मौजू उर्दू से मुतल है इसलिए उर्दू अखबारात की इदारत, अदारिया गुफ्तु का महवर होंगे अखबार के जिस्म के सबसे अहम हिस्से दिमाग यानी इदारिये को समझने के लिए सहाफ़त से मुतक़ दीगर शोबों पर भी इजमाल से गुफ्तु आज के की अहमियतियों अफादियत को समझने में आसानी होगी आइए एक नज़र सहाफ़ती निज़ाम पर भी डालें सहााफत एक ऐसा मेकनिकी निज़ाम है जिसका बुनियादी काम अवामी दिलचस्पी से मुतक़ अमूर की पेशकश इतलाआत की फ्राहमी और रायआम की तश्कील और तरबियत से है जो मुख्तलिफ ज़राया अबलाग के ज़रिए अंजाम पाता है इस सिलसिले में खाम मवाद इकट्ठा करना मुख्तलिफ मख्तलफ़ के अवाी दिलचस्पी से मुतल मवाद की फ्राहमी फ़ीचर निगारी तबसरा निगारी रपोरताज नगारी ख़बर निगारी वगैरह का काम और इस सब की तहरीर तरबियत और तजयन आरइश के बाद उनकी इदारत वगैरह बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं और इस मजमू अमल के बाद जो सूरत सामने आती है उसे अखबार और रसायल और दूसरे रायला के ज़रिए पेश करने के मुकमल नज़ाम का नाम सहाफत है में इसका दायरकार सिर्फ अखबार और रसायल तक महदूद था तो ये पूरा निज़ाम बिल्कुल सादा और आसान था जो लोग छापाखाना चलाते थे वो एक अदद अखबार या रसाला भी निकाल लेते थे बस एक कातिब मुकर किया एक शख्स को एडिटर बना दिया और इंतजामिया के अमूर छापाखाना का मुंशी संभाल लेता था इस तरह जो अखबार या रसाला निकलता वह बाज़ार में बहुत कम बिकता था बस चंद मुस्तकिल ख़रीदारों को डाक से भेज दिया जाता था और जब किसी का चंदा ख़त्म हो जाता तो मुंशी सुर्ख पेंसिल से निशान बना देता था और ख़रीदार दोबारा अपना चंदा भेज देते थे इस तरह बधी बधाई रकम से गाड़ी चलती रहती लेकिन सहाफ़ती निज़ाम की तोसी के साथ उसका निज़ाम पेचीदा होता चला गया और अखबार और रसायल को संभालने का काम एक मुंशी के बस का नहीं रह गया इसलिए कि अब अखबार का काम महज खबरें इकट्ठा करना और उसे छापना ही नहीं रह गया है बल्कि ख़बरों को इकट्ठा करने के बाद उसमें से अपने नज़रिए ख्याल और पॉलिसी के मुताबिक ख़बरों को छाँटना और उन्हें मुनासिब तरतीब देकर असर बनाना और ख़बरों की अहमियत के मुताबिक उन्हें मुनासिब कॉलम में जगह देना है इतना ही नहीं बल्कि अखबार और रसायल के पेश नज़र जहाँ राय की तश्ील का मसला होता है वहीं आवाम के मज़ाक को पेश नज़र रखने की भी अहमियत होती है ऐसे में अखबार और रसायल को महज खबरों का पुशतारा बनाने से काम नहीं चलता बल्कि उसमें मख्तलफ़ की नुमाइंदगी करने वाले और उन्हें तस्कीन अता करने वाले मजामी या दूसरी तहरीरों की ज़रूरत भी होती है गरज के आज के दौर में सहाफ़त का दायरा अमल बहुत फैला हुआ है उसके लिए एक आ, उसके लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है जो आपस में मिलजुल कर एक इकाई का काम करें ये अफराद नामा नगार सियासी समाजी सकाफती साइंसी अदबी और दीगर उमूरूम के माहन अंजाम देते हैं और उन उनके काम को मुदीर एक ख़ास तरतीब और तहजीब और तजयन के साथ पेश करता है जिसे इदारत कहते हैं इदारिया अखबार या रसाले का वो कॉलम है जिसमें अखबार या रसाले की पॉलिसी नैज़ नज़रिए के पेश नज़र हालत हाज़रा वगैरह के स्याक सबाक में कोई मज़मून तहरीर किया जाता है गोया इदारिया वो मजमून है जिसमें अखबार से मुतक़ पॉलिसी के तहत मौजूदा वाकयात हालात और निज़ाम पर रायजनी हुई हो ऐसी सूरत में इदारिया निगार का वसूल मताला दूरबीन और तजर्बकार होना ज़रूरी है वरना उसके लिखे हुए इदारिये खोखले और गैर दिलचस्प होंगे आम तौर पर इदारिया निगारी का काम मुदीर के ज़रिए होता है इसके अलावा मुदीर का काम ये भी है कि शुदा मवाद को एडिट करके इस लायक बना दे कि उसके ज़रिए जरीदे के नसबुल के मुताबिक रामा की तशकल हो सके लेकिन इस ज़िम्मन में ये बात भी काबिल गौर है कि मुदीर ख़बरों की तराश खराश और इशात के लिए मौजूद दीगर मवाद को एडिटिंग के नाम पर इस तरह मश न कर दे कि उसका असल चेहरा ही गायब हो जाए इसलिए मुदीर की जिम्मेदारियां होती हैं वो शुदा ख़बरों और इशात के लिए मौजूद दूसरे मवाद को ग़ौर से पढ़ता है और इस बात की सही करता है कि इशात के लिए मवाद असर बन सके इस सिलसिले में वो उन्वाना पर गौर करता है सुर्खियां लगाता है और पूरे मवाद पर असलाही नुक़ नज़र से काम करता है ज़बान की सेहत इमला की दुरुस्तगी और मज़ामीन के अख्तसार वगैरह पर काम इसी का हिस्सा है क्योंकि ये चीज़ें भी कारीन की नफ्सियात को मुतासर करती हैं इसलिए मुदीर को जेरक हसास वाकफ़कार तजर्बाकार होने के साथ साथ ज़बान व बयान का माहिर होना चाहिए उसे तदब्ब्र तफक्र का हामिल और जाकोशी का पैकर होना चाहिए मुश्किल और सब्रजमा हालात में भी साबित क़दम होना ज़रूरी है ख़ुशनसीबी से उर्दू अखबार और रसायल को बिल्कुल इब्तदा से ही ऐसे मुदीर मैसर आए जो मुदीराना सलाहियतों और सहाफ़ती जिम्मेदारियों के अहल तरीन और अला तरीन नमूने थे इसलिए कि उर्दू में सहाफ़त को किसी शौक़ की तकमील के लिए नहीं अख्तियार किया गया था क्योंकि जिन काबिल एहतराम सहाफ़ियों ने उर्दू सहाफ़त को अपना नसबुल बनाया था उनका मकसद बड़ा आला व अरफा था उन्हें न शहरत दरकार थी और न कोई मनसब उनके वक़ार में इजाफे का सबब हो सकता था बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने इदारत की जिम्मेदारियों को अख्तियार करके सहाफत को वक़ार बख्शा था वजह ये थी कि कौम और मुल्क की तबाहाली से उनका दिल दुखता था वो इसलाह चाहते थे जिससे कि माशरे के हर फर्द व बशर को सुकून और तोकीर हासिल हो सके उस वक्त ज़राया ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं सिर्फ अखबार ही एक मोतबर ज़रिया अबलाग था जिससे अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाया जा सकता था हालाँकि मौजूदा दौर की तरह न तो अला दर्जे का कागज़ हासिल था और न नबात की सहूलियात आसानी से मैसर थीं फिर भी कौम को बेदार करने का जज्बा रखने वालों ने अखबार के ज़रिए लोगों में ज़िंदगी की हरारत पैदा करके अपने फ़र्ज को पूरा किया उन्होंने न किसी कस्म की मदद की ज़रूरत महसूस की और न किसी कमी का रोना पसंद किया उनके पास जो भी वसाइल सहूलियात और सलाहियत थी उसको उन्होंने तामीर और तरक्की के कामों में लगाने ही को फ़र्ज़ और दानिशमंदी समझा माजी में चूंकि उर्दू का अखबार निकालने वाला ख़ास ख़ास मकासद पेश नज़र रखता था वो कोई बावक़ार अदीब शायर या मजहबी सियासी रहनुमा हुआ करता था इसलिए आम तौर पर किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करता था और अपने ज़ाती वसायल पर ही इहिसार करता था उर्दू अखबार की इब्तदाही क्योंकि वतन परस्ती और मुल्क की आज़ादी के जज्बे से हुई थी इसलिए अखबार के मदीर और सहाफ़ियों ने अपना सब कुछ उस पर बेदरे खर्च किया इन लोगों के अदारे न सिर्फ अखबार का दिमाग थे बल्कि अखबार उन मदीरान की तहरीरों की ही वजह से पुरकश थे सर सैद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौलाना अबुलकाम आज़ाद हसरत मोहानी दीवान सिंह मफतून, मुंशी सज्जाद हुसैन स्वराज के मुदीरान शांति नारायण भटनागर गणेश विद्यार्थी लाला जसवंत राय लाला दीनानाथ, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मौलाना माजिद दरियाबादी वगैरह वगैरह एक तवील फहरिस्त है जिनके बेबाक, बेलाग और पुरखलूस इदारियों ने न सिर्फ़ सहाफ़त के मैार को बुलंद किया बल्कि अदारिया नवेसी को उरूज पर पहुँचाया उनके कलम में वो ताकत थी कि मुखालिफ भी हमनवा हो जाते थे अखबारात ने उनके नाम और काम से शहरत मकबूलियत हासिल की सर सैद ने कौम का मिजाज बदलने के लिए तीन मार्च अट्ठारह सौ छियासठ ईस्वी को अलीगढ़ से अखबार साइंटिफिक सोसाइटी या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जारी किया जो उनके इंतकाल के बाद तक जारी रहा पहले हफ्तावार था फिर यह सह हो गया ये अंग्रेजी और उर्दू जबानों में मुश्तरक तौर पर शाया होता था एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 20% फीसद मवाद अंग्रेजी में होता था उन्होंने इसको दीदेब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की अच्छा कागज अच्छी तबाद थी इस सिलसिले में सदाकत वहतसार को पेश नजर रखा उन्होंने सस्ती शहरत से हमेशा गुरेज किया सनसनी खेजी और इश्तल अंगेजी से परहेज किया संजीद मजामी साफ सुस्त जबान उनके अखबार की खसूसियत थी इसलिए उसे हमेशा कदर की निगाह से देखा गया उस अखबार ने अवाम के तर्ज फिक्र को बदलने में बड़ा इनकलाबी किरदार अदा किया मौजूदा दौर में सहाफत इनकलाबी तब्दीलियों से निबरदाजमा है इसे गर्जे जदीद टेक्नोलॉजी के तफैल बहुत सी सहूलियात ऐसी मैसर हैं जिनका पहले तसवुर भी नहीं किया जा सकता था और तबाद के शोबे में तरक्की के तफैल गरचे अखबार की ज़ाहरी शक्ल सूरत पहले से ज़्यादा पुरकशिश है मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि माजी में कुछ ऐसी सहूलियात मैसर थीं जिनको अब अजकार रफ्ता समझा जाता है पहले कातिब होते थे जो बजात खुद अपने फ़न में महारत के अलावा ज़बान और मतलक़ात ज़बान के अच्छे जानकार होते थे जो अदीब और अक्सर मुदीर की ग़लतियाँ भी दुरुस्त कर दिया करते थे कि अक्सर वक्त की कमी और रवानी में लिखने में कुछ का कुछ हो जाता है और एडिटर को नज़र षानी की फ़ुरसत नहीं होती आज कातब की जगह कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो बस वाजिबी सी उर्दू सीख कर कम्प्यूटर संभाल लेते हैं आम तौर पर वो न जबान की खूबियाँ समझते हैं और ना खामियाँ बता सकते हैं फिर एक बड़ी ख़राबी ये पैदा हो गई है कि आजकल कल अखबार का बेशतर मवाद देवनागरी से उर्दू में तर्जुमा होता है और मतरजम लफ्ज़ का तर्जुमा तो कर देता है मगर जुमलों की साख्त और ज़बान का डिक्शन बदलने पर कुदरत नहीं रखता इसलिए बेशतर अखबार की ज़बान आज अगलात से पुर और नाक़ होती है इदारे की मौजूदा दौर में भी अहमियत है इसलिए कि इदारे ही अखबार की जान होता है लेकिन अब चूंकि वो पहले जैसे कदावर और बुलंद पाया अदीब व सहाफ़ी नहीं हैं जिनकी राय हम और बेहद अहम होती थी इसलिए अब अखबार को दूसरी दिलचस्पियों से मुजन किया जा रहा है ताकि कारीन के लिए कशिश पैदा की जा सके इसलिए इदारे को वो वक़ार नहीं रहा जो पहले था क्योंकि आज के इदारे माजी के अजीमत सहाफ़ियों के इदारियों की तरह अहम तो नहीं हैं, मगर ये बात ज़रूर अच्छी हो गई है कि अब ख़ुद एडिटर अपने आप को किसी मखसूस सहाफ़त तक महदूद नहीं रखता अब उसके मौजूद माजी के मुदीर से ज़्यादा वसी और मतनवे हैं वो अदब और मज़हब के अलावा सैंस की तहकीक़ात मुफीद टेक्नोलॉजी और बदलती सियासत व मीशत के रुझान से वाकफियत रखता है और अपनी तहरीरों से अपने कारयी को भी वाकिफ कराना ज़रूरी समझता है मौजूदा दौर में इदारिए नस्बता अपने कमज़ोर तर्ज बयान के बावजूद जिन मौजूद पर मालूम फ्राहम करते नज़र आते हैं वैसे पहले नहीं थे अब इदारियों के मौजूद पहले से बहुत वसीू नौ हो गए हैं उसका एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि अब जो महदूद मौजूद से दिलचस्पी नहीं रखता वो भी मज़ीद कुछ जानने के लिए उर्दू के अखबार के मताले की तरफ मायल है सहाफ़त ने अब एक बाकायदा एक सनत यानी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है चुनानचे सनती दुनिया में कामयाबी के लिए जो कुछ किया जाता है वो अब सहाफ़त में भी किया जाने लगा है इससे एक बड़ी खराबी यह पैदा हो गई है कि एडिटर अपनी असली हैसियत से महरूम हो गया है अब एडिटर की बजाय पब्लिशर को अहमियत दी जाने लगी इसलिए सरमाया तो उसी का होता है पब्लिशर भी कभी सामने होता है और कभी नहीं भी होता है सरमाया किसी का नाम किसी का और काम किसी और का होता है इसलिए मुदीर की वो आजादाना हैसियत जिसने इधारत को वक़ार और प्रेस को एतबार के दर्जे तक पहुंचाया था वो तकरीबन अब खत्म हो गई है सहाफत के सनत का दर्जा हासिल कर लेने से बहुत से तजारती घरानों ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी या यूं कहा जाए कि बाज़ बड़े सनती घरानों की सहाफत में पेशर से सहाफत सनत बन गई है और बैरूनी सरमादार भी दूसरे ममालिक में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी सरमाया और महारत से हर तरह के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं कई बातें काबिल सहाफत बुनियादी तौर पर अच्छे जज्बे को फरोग देने का ही नाम है ये लोगों को बाखबर करने और बाखबर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है अवाम ख़ास दोनों को नशे व फराज़ से वाकिफ कराती है जहाँ आम आदमी को उसकी अहमियत अफादियत रखने का गुड़ सिखाती है अब अगर उसको सिर्फ़ सनत व तजारत समझा जाए और सिर्फ़ माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश हो तो ये किसी भी तरह अपने असली और बुनियादी मकासद में कामयाब न हो सकेगी और बेफैज़ रहेगी जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है इसका तो आगाज़ ही अच्छे मकासद से हुआ है अंग्रेज़ों के तसलुत से कबल ये आवाम को शहनशाह के फ्रामीन और कवानी से वाकफ़ कराती थी अदबी की तास्कीन करती थी अदीबों शायरों और दानश्वरों और फनकारों की शहरत की बाइश होती थी जब अंग्रेज़ों ने साजिशों से मुल्क पर कब्ज़ा करके अपना अक्तदार कायम कर लिया तब सहाफत ने मुल्क को जबर इस्त से बचाने और मुल्क को आज़ाद कराने का काम भी अपने अवलिन मकसद में शामिल कर लिया मुल्क के तल अर्ज में जगह जगह छोटे छोटे अखबार और रसायल निकलना शुरू हुए सब ने अजम करके अंग्रेज़ों की चालों से वाकिफ करा के होशियार रखने की कोशिशें की। चंद अखबार को छोड़कर सब ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी का जज्बा बेदार किया बिल आखिर मुल्क आज़ाद हो गया और आज़ादी की तारीख़ गोया उर्दू सहाफ़त की बेबाकी और बेबाकीब्बलवतनी की तारीख भी बन गई जदीद टेक्नोलॉजी से मालूम हासिल करने में बड़ी आसानी हो गई है। तबात भी पहले से बहुत अच्छी सस्ती और आसान है मगर अब अखबार निकालने में पहले से कहीं ज़्यादा सरमाया दरकार होता है पहले से आदमी कोई अखबार या रसाला निकाल लेता था मगर अब ऐसा नहीं है अब आम तौर पर अखबार के चार अहम शोबे हैं इधारत इश्तहार सर्कुल, और सर्कुलेशन के शोबे तो पहले ही थे जिन्हें दो तीन आदमी संभाल लेते थे मगर अब हर शोबे अलग रखते हैं और हर शोबे का अलग सरबरा होता है जो इंतहाई तजर्बेक जहां दीदा और मतहरिक होता है और उसके साथ कई लोग होते हैं अब एक नया शोबा जो इन दिनों बहुत जरूरी है वो है जनरल मैनेजमेंट का शोबा ये शोबा दीगर तमाम शोबों में काम करने वालों की ज़रूरत को समझता और उनको पूरा करने की कोशिश करता है शोभा इदारत में काम करने वालों को बहुसन खूबी काम करने के लिए क्या दरकार है वो उसे बग़ैर तलब के ही फ्राहम करना जनरल मैनेजमेंट का काम है इस शोबे का सरबरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ये कहीं एडिटर की हैसियत का होता है तो कहीं इसे कम या ज़्यादा होता है सहाफ़त के सनत बन जाने की ही वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर की अहमियत बढ़ गई है जो सनती घराना भी अखबार निकालता है वो अखबार पर अपना कब्ज़ा रखना चाहता है इस मकसद को मुदीर से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर पूरा करता है वो एक तरह से अखबार के सरमायाकार और अखबार में काम करने वालों के दरमियान एक ऐसा रबता होता है जो मालकान के मफादात का तहफ़ कर सके और काम करने वाले इससे मानूस भी रहें उर्दू अखबार के एडिटर अपने महदूद वसायल के बावजूद मेार बरकरार रखने की कोशिश करते हैं मालिकान को यह खौफ हमेशा लाक रहता है कि मुदीर इतना मकबूल ना हो जाए कि उनकी कोई अहमियत ही ना रहे सहााफत की दुनिया ने अब इतनी वसत इख्तियार कर ली है कि अब इदारिये किसी महदूद मौजू या किसी मखसूस तबके की दिलचस्पियों का अता नहीं करते बल्कि इंसानी दिलचस्पी का शायद ही कोई गोशा ऐसा हो जिस पर इदारिये न लिखे जाते हों इसलिए मीशत माशरत, फ़नून और फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों के अलावा खेल कूद सयाहत ईजादात सैर व तफरी और साइंसी मालूम वगैरह वगैरह के लिए अब अलग अलग माहरीन की खदम हासिल करने का रिवाज आम हो रहा है अब आम तौर पर बड़े अखबार का अदारिया कोई एक शख्स नहीं लिखता बल्कि मौजू से मुतक किसी माहिर की खदम हासिल की जाती हैं आज साइंस की हैरत अंगेज़ ईजाद और टेक्नोलॉजी की जदीद तरीन मालूम के सब मत के ख़ाने खुल गए हैं जिनसे हर तरह के लोग फैजियाब हो रहे हैं उर्दू में भी इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है मगर मालूम के ख़ज़ानों और मौजूद के तनवों के बावजूद अपने कमज़ोर तर्ज़ बयान की वजह से उनकी तहरीरों में वो असर नहीं जो होना चाहिए और जो इदारियों के मकसद हैं हकीक़त ये है कि तर्ज़ तहरीर असलूब नगारश ज़बान पर दस्तरस के बग़ैर मौजू अपनी अहमियत के बावजूद वो असर नहीं दिखा सकता जिसके लिए इदारिये लिखे जाते हैं अब लिखने पढ़ने का शौक़ कम हो रहा है लोग अखबार पढ़ने से ज़्यादा ख़बरों के लिए दूसरे जराया के आदि हो चुके हैं जाहिर है कि अखबार खबर रसानी के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला कर भी नहीं सकता अब अखबार की अहमियत ख़बरों पर मुनसर नहीं है खबरें तो लोगों को अब फ़ौरन ही मिल जाती हैं इसलिए खबर से ज़्यादा अखबार के दीगर मवाद ज़्यादा अहम हैं और इदारियाँ इन सब में कलीदी हैसियत रखता है लेकिन इदारे नवेसी और एडिटिंग दोनों के लिए ज़बान मतलकत ज़बान बयान और तर्ज बयान और उसलूब की अहमियत सबसे ज़्यादा है गौर कीजिए ज़बान पर दस्तस दस के बगैर कोई एडिटर किसी खबर किसी मजमून किसी कालम को कैसे सही तौर पर मरतब कर सकता है जबकि जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है कि मुदीर का काम सिर्फ इदारिया लिखना नहीं है बल्कि अखबार की हर बात पर उसकी नज़र होना भी ज़रूरी है क्या छपना है भी अहम है और कैसे छपना है वो भी बहुत अहम है और अहमियत का अंदाज़ा मुदीर तभी सही तौर पर कर सकता है जब वो खुद जबान से पूरी तरह वाकिफ़ हो इदारिया नवेसी पर दस्तरस के लिए मौजूदा दौर में माजी के उन मदीरान की तहरीरों और अखबारों का मताल बहुत मुफीद साबित हो सकता है जिनके तर्ज़ नगारश ने उर्दू अखबार के सफ़र में संग मील क़ायम किए हैं तर्ज़ तहरीर मौजू को किस तरह मौसर से मौसर तरीन बना देता है उसकी मिसाल के लिए मौलाना अबूलकलाम आज़ाद की तहरीरों में से एक मख्तसर अकतबास देखिए अब से तेरह सौ बरस पहले जब दुनिया मौजूदा ज़माने के तमाम से महरूम थी बहर अहमर के किनारे रेगिस्तान अरब के वस्त में हजाज़ के चटियल और बेज़रात वादी के अंदर एक सदाए अजतम बुलंद हुई और नस्ल इंसानी के मुंतशिर अफराद का एक नया घराना आबाद किया गया इंसानी इज्तमा यगानगत की ये पुकार सिर्फ़ इतना ही नहीं चाहती थी कि मुल्कों की सरहदें और जोग्राफिए की हदें एक दूसरे से करीब हो जाए बल्कि इसका मकसद नस्ल इंसानी के बिखरे हुए दिलों और बरगश्ता रूहों को एक दूसरे से जोड़ देना था सर सैद के तर्ज़ तहरीर का ये मुख्तसर नमूना और उसमें अतदाल की कारीगरी देखिए। अंग्रेज़ी अखबार उस वक्त उर्दू अखबार के लिए कुछ न कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते थे इस तनाज़ुर में अलीगढ़ गज़ट के दस मार्च अट्ठारह सौ छिहत्तर ईस्वी के शुमारे में इस मसले पर उन्होंने ये तर्ज इख्तियार किया अंग्रेज़ी अखबार नवीस हिंदुस्तान में इस क़दर किसी फिरक़े से नाराज़ नहीं हैं जिस क़दर कि वो हिंदुस्तानी अखबार नवीसों की आज़ादी से इसी वजह से उन्होंने कभी हिंदुस्तानी अखबारों पर खुश आमद का इल्ज़ाम लगाया है कभी बगावत का इल्ज़ाम किया है कभी हिंदुस्तानी राजाओं की तरफदारी का मगर हम खूब जानते हैं कि ये इल्ज़ाम उनकी इस इसलबी हरारत से पैदा होते हैं जो अब उनके दिलों में हिंदुस्तानी अखबारों की नहायत बर्जस्ता और सच्ची रायों के देखने से पैदा होते हैं माजी के बड़े बड़े उर्दू अखबार और रसायल से इदारियों के अकतसाब महज नमूने के तौर पर भी दिए जाएँ तो बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा मगर मौजूदा दौर के लोगों के सामने कुछ तो नमूने आने ही चाहिए ताकि उन्हें मालूम हो कि माजी के उर्दू अखबार के लायक मुदीरान अपने इदारियों के ज़रिए फ़िक्र के इनकलाब पैदा करने में किस तरह कामयाब रहते थे इसलिए उनके अखबार के दारिये किसी भी मुस्ंद और मुफीद किताब से ज़्यादा अहम होते थे उर्दू सहाफत उनकी खूबियों पर बजा तौर पर फख्र करती है मौजूदा दौर में भी हम अगलों के जरिए नकुश कदम पर चल कर उनकी तरह तहरीरों में खलूस और फ़िक्र में सलाहियत पैदा करके लोगों को मुतािर और ज़हनों को मुसबत राहों की तरफ मोड़ सकते हैं जिसके लिए आम तौर पर अखबार और रसायल और ख़ास तौर पर इदारिए से काम लिया जा सकता है नाजरीन उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपने इदारिए के बारे में ये 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 लेक्चर आपके लिए मालूम अफजा रहा होगा आइंदा किसी और मौजू पर फिर मुलाकात होगी बहुत बहुत शुक्रिया